वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स तंदूरी। तो उसके लिए जो जो चीज़ लगेगा, यहाँ पे मैंने प्रॉन्स ले लिया, इसको अच्छे से धो लिया। यहाँ पे है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर, तो ये है क्यूमिन पाउडर, ये है तंदूरी मसाला, नमक, गार्लिक पेस्ट, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, यह है जिंजर पेस्ट, यह है सत्तू एंड यह है दही। सो आप लोग देख सकते हो आज के रेसिपी में जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स ही हैं आज यूज़ करूँगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। तो मैंने एक बोल ले लिया एंड यहाँ पे जो मछली है इसको तो अच्छे से धो लिया। अब इसके बाद नमक जो है उसको डाल दूंगी, नमक एज पर टेस्ट। मम्मी ने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक जो है उसको दिया है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, सॉरी गार्लिक पेस्ट, यह है जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट एंड यहाँ इसमें 3 टू 4 टीस्पून जो तंदूरी मसाले हैं वो, ये तंदूरी है सो इसमें मसाले जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही ऐड किया। अब इसके बाद जो है ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो दही है, खट्टा दही, उसको डाल दूंगी। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून दही लिया है, उसको डाल दिया। इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के टाइम बहुत अच्छे से मिक्स करना। अब इसमें हाथ भी लगा सकते हो, हाथ लगा के मिक्स करने ही अच्छा होता है ताकि जो मसाले हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद डालूंगी जो सत्तू है, यहाँ पे मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून सत्तू लिया है। अपने हिसाब से देना, अगर मछली ज़्यादा है तो आप जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा कर दीजिएगा, अगर कम है तो कम कीजिएगा। हाथ से मिक्स करना अच्छा होता है, अच्छे से मिक्स होता है हाथ से, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप लोग चाहो तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हो टाइम, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से जो मसाले हैं अच्छे से अंदर घुस जाएगा, अच्छा लगेगा वो खाने में और सॉफ्ट भी हो जाएगा मछली जो है। सो मैं तो आज जो टाइम कम है तो इसलिए मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो 3 घंटे हो गए हैं, अब मैं देख लूँगी कि कैसे है ये। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे लग रहे हैं ये। अभी 3 घंटे तक मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में मैरिनेट करके, तो अभी इसको ऐसे फ्राई करूंगी, इसे इसके ऊपर डाल के फ्राई करूंगी। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी ये जो स्टिक है इसको लगा दूंगी ताकि जो ये फिश है जो बैंड ना हो जाए, इसलिए एक एक करके स्टिक जो है उसको अच्छे से पोक कर लूंगी। आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे कर रहे हैं मम्मी, एंड बहुत ही धीरे से ध्यान से करना ताकि जो स्टिक है ये बहुत शार्प है। आप लोग इस साइड जो है देखो शार्प है, हाथ में लग ना जाए, तो बहुत ही धीरे से ध्यान से करना।
तो एक एक करके तंदूरी जो प्रॉन्स है इसको डाल दिया मम्मी ने अभी गैस के ऊपर, और गैस के फ्लेम मीडियम से लो तक ही रखना। अगर हाई रखोगे तो जो अंदर का जो है ना फिश तो अच्छे से कुक नहीं होगा, कच्चा कच्चा सा रहेगा। तो इसको धीरे धीरे करने दे रही हूँ अभी तक। एंड जब इसको पकाओगे तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े करके बटर जो है लगाते रहना, एंड ऐसे ऐसे करके ऑपोजिट साइड भी कर देना, ऑपोजिट साइड भी, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। बहुत ही धीरे से ध्यान से करें ताकि हाथ जो है जल ना जाए। तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े करके ऐसे करके मक्खन जो है डाल देना, बटर अच्छे से ऐसे लगा देना, और भी अच्छा एक खुशबू आएगा, एक फ्लेवर आएगा अच्छा सा। अब ऐसे करके डालना थोड़े थोड़े करके, एंड ऑपोजिट साइड को भी देखते रहना कि जल ना जाए एकदम। ये थोड़ी टाइम से धीरे धीरे करना पड़ेगा ताकि जल ना जाए। ऐसे धीरे धीरे करते रहिएगा। मेरी तो अभी से ही मुंह में पानी आ रही है। आप लोग भी घर पे इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो आज का जो रेसिपी है प्रॉन तंदूरी वो तो तैयार है। आप लोग देख सकते हो कैसे लग रहा है ये, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, आप इसको सॉस के साथ या फिर कोरिएंडर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड इसको घर पे बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।